बैंक में फर्जीवाड़े का एक मामला बोकारो में सामने आया है। बोकारो के चास में किसी व्यक्ति ने किसी और का पहचान पत्र देकर बैंक से कर्ज ले लिया। इस फर्जीवाड़े का खुलासा तब हुआ जब शिवशक्ति नगर निवासी विजय प्रसाद कार लोन के लिए बैंक पहुंचे। बैंक ने पूरे दस्तावेज जमा कराकर जब नो ड्यूज चेक किया तो विजय प्रसाद पर दो बैंकों का कर्ज सामने आया। ऐसे में बैंक के शाखा प्रबंधक ने विजय को लोन देने से ये कहकर इनकार कर दिया कि आपका सिविल खराब है, आपने बजाज फाइनेंस से 16,000 रुपए की मोबाइल और धनी लोन बैंक से 10,000 रुपए का कर्ज लिया है जिसे आपने चुकता नहीं किया है। ये सुनते ही विजय के होश फाख्ता हो गए। वो बजाज फाइनेंस कंपनी में पहुंचे और जानकारी ली तो पाया कि उनके आधार कार्ड तो उनका इस्तेमाल किया गया था लेकिन फोटो किसी दूसरे की है। यूनियन बैंक में लोन लेने के लिए गए थे तो यूनियन बैंक वाला बोले कि आपका पहले से लोन लिया हुआ है इसलिए लोन आपको पास नहीं होगा। तो हम बोले कि हम तो लोन लिए नहीं हैं, तो बोले कि हाँ बजाज में बजाज फाइनेंस से आप लोन लिए हैं और धानिया बैंक से लोन लिए हैं। तो हम बजाज फाइनेंस में गए पता किए तो मेरा आईडी लगा हुआ है लेकिन हुआ फोटो लगा हुआ है जो लिया है उसका, और ICICI बैंक में अकाउंट भी खुलाया हुआ है तो बजाज वाला से हम अकाउंट नंबर और उसका फ़ोटो लिए और ले आके थाना में दिए। नाम बता किसका फ़ोटो सटा हुआ है, कौन है व्यक्ति पहचानते हैं आप उसको? सतन रवानी और उसका पुत्र। धनी बैंक से लिए गए लोन में भी यही करामात की गई थी। इस मामले में इंस्पेक्टर राम प्रवेश सिंह ने क्या बताया आइए जानते हैं। विजय प्रसाद के आवेदन पर एक शिकायत दर्ज किया गया है। उनके द्वारा बताया गया कि जब वो कार फाइनेंस कराने के लिए बैंक में गए थे ब्रांच मैनेजर ने कहा कि आपका सिविल खराब है क्योंकि आप लोन ले चुके हैं और जमा किए नहीं हैं। तो इनको थोड़ा आश्चर्य हुआ, फिर ये अपने ढंग से तहकीकात किए तो कुछ लोगों का नाम इनके संज्ञान में आया तो इन्होंने आके यहाँ प्राथमिकी दर्ज करवाई है, कांड दर्ज किया गया है और अनुसंधान। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।